नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुनवाई कल 14 जून को होगी। देश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 10 मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें राजधानी दिल्ली के 3 मरीज शामिल हैं। आपको बता दें, वहीं देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना मरीजों की संख्या 8000 के पार पहुंच गई है। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या देश में 46000 से ज्यादा है। लखनऊ के पबजी हत्याकांड में मर्डर करने वाले के नाम को लेकर पेच गहरा गया है। दरअसल पुलिस ने पहले कहा कि मां की हत्या करने वाले आरोपी बेटे ने अपना जुर्म कबूल लिया है। अब पुलिस कह रही है कि बेटा आकाश नाम के इलेक्ट्रीशियन पर हत्या का आरोप मढ़ रहा है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में महाराष्ट्र के पुणे का शार्प शूटर संतोष जाधव गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे गुजरात के कच्छ से साथी नवनाथ सूर्यवंशी के साथ पकड़ा गया है। पुणे पुलिस की टीम को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दोनों को 20 जून तक रिमांड पर लिया गया है। पंजाब में फिर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए हैं। इस बार फिरोजपुर में डिविजनल रेलवे मैनेजर यानी DRM ऑफिस की दीवार पर यह नारे लिखे गए हैं। प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के सरगना ने खुद इसको वायरल किया है। यूपी में हिंसा के बीच बुलडोजर की कार्यवाही पर नेताओं की बयानबाजी सामने आई है। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी और बसपा प्रमुख मायावती ने यूपी सरकार की इस कार्यवाही पर नाराजगी जताई है। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर को रविवार को बुलडोजर से ढहा दिया गया है।